आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। मैं पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, आप यहाँ पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरावत जी, 9 दिसंबर को जन नायक जनता पार्टी हरियाणा में दिवस मना रही है, आप इस स्थापना दिवस को किस रूप में और किस तरीके से दिल्ली की जनता को लेकर जा रहे हैं? सर जी, जन नायक जनता पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस हरियाणा में झज्जर जिले में मनाया जा रहा है, जन सरोवर दिवस के रूप में। हम दिल्लीवासी अभी हमारे 4-5 दिन पहले L125 साउथ एवेन्यू 3 मूर्ति पे हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई और हमने जिले वाइज दिल्ली में सभी पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं और वहाँ जो हजारों की संख्या में झज्जर पहुँचे। दिल्ली में किस तरीके से लेकर चल रहे हैं सर? देखो जी, हमारे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री भारतेश्वरी देवीलाल की जो नीतियां थी उनके ये पड़पोते हैं उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी की वही भावना है और इनके पिताजी डॉक्टर अजय चौटाला हमारे JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका छोटा भाई दिग्विजय चौटाला हमारे आजकल प्रधान महासचिव हैं JJP के हरियाणा के। सारे भारत देश में दिग्विजय चौटाला का भी बहुत इनसो से संबंध रहा है, सारे भारत देश की यूनिवर्सिटियों में, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में उनका बहुत प्रभाव है और ये लोग हमारा जो दिल्ली से क्या समझौता है, दिल्ली और हरियाणा की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रिश्तेदारियाँ हमारी सारे दिल्ली वालों की हरियाणा से हैं। तकरीबन हरियाणा के लोग झज्जर, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, जींद, महेंद्रगढ़ के लोग यहाँ हमारी दिल्ली में रहते हैं और वहाँ के हरियाणा के लोग यहाँ सर्विस भी करते हैं, पुलिस में क्या, CRP में क्या, यहाँ रहते हैं DTC में क्या, तो हरियाणा के लोग भी यहाँ रहते हैं दिल्ली में। इन ये भी बहुत खुश हैं, इनकी इनका तो अपना प्रदेश हरियाणा है, लेकिन जैसे दुष्यंत की बातें हैं उनकी भावनाओं से सब लोग खुश हैं जी। सरावत जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी की और जिस तरीके से आपने बाखान किया कि हरियाणा की जनता दिल्ली के अंदर रहती है अलग अलग जिलों में आके, इसी तरह दिल्ली में तो आपकी कोई गठबंधन नहीं है BJP के साथ, JJP का हरियाणा में है, 2022 का चुनाव है, किस तरीके से आप अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं सर? सर जी, जैसे कि हमारा हरियाणा के अंदर जो है ना, हरियाणा के अंदर BJP से हमारा गठबंधन है और हाई कमांड का जो आदेश होगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली वालों की आवाज़ पहले भी थी कि हमें MLA की कुछ सीटें समझौते में मिले बाहरी दिल्ली से। दुष्यंत चौटाला जी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब की बार भी वो यही सोच रहे हैं, अब पार्षदों के इलेक्शन आ गए हैं 2022 में MCD के, इसमें हमें कुछ सीटें समझौते में मिल जाएं, JJP की सीटें, तो हम दिल्ली वाले उसे देहात की सीटों को सारियों को निकाल देंगे, चाहे 20 सीट मिले चाहे 30 मिले। वैसे हमने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हमारी कार्यकारिणी बहुत मजबूत है, हमारे राष्ट्रीय सदस्य दिनेश डागर भी जी यहाँ हैं और जाखड़ जी हैं, हमारी टीम जो है कार्यकारिणी बहुत मजबूत है। वैसे तो हमने यहाँ दिल्ली के अंदर सारी सीटों पर तैयारी कर रखी है 272 पर, और वो जो है जैसे आप ये कहोगे आप यहाँ नजोगढ़ में बॉर्डर पर बैठे हो, वहाँ त्रिलोक पर ही कमल चावला है, बदर पर बॉर्डर हरीश पहलवान जी हैं और वहाँ जो है ना बुराड़ी से CV शेराव जी हैं, शादराज है विजेंद्र जी, और फतेहपुर असोला से OBC का अध्यक्ष अपना सुहागवीर जी हैं, मरोली से जो ना जय भगवान जी हैं, और लॉरी गेट से भी हमने तैयारी की है जगदीश खटाणा, पंकज खटाणा,
इनको भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया है। द्वारका से हमारी महिला की अध्यक्ष है संतोष देवी, और एक्स सर्विसमैन भी हमने बॉडी में लिए हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ की भी हमारी टीम है, बुद्धिजीवी भी हमारी टीम है, नजोगढ़ में भी हमारी वहाँ है। तो हमने तो जी पूरी तैयारी कर रखी है, जो हाई कमांड का आदेश होगा दिल्ली के अंदर वो मैं काम करूँगा जी। जैसे भी हाई कमांड डॉक्टर अजय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो आदेश होगा हम वो पालना करेंगे जी। अपनी मर्जी से मैं कोई काम ना करूँ, समझौता होगा तो समझौते में, ना होगा तब भी हम बीजेपी का कहेंगे भाई इनका समर्थन करना है तो हम बीजेपी का ही समर्थन करेंगे जी। सराव जी, 9 दिसंबर को स्थापना दिवस है तीसरे वर्ष में, दिल्ली की जनता से क्या अपील है? दिल्ली की जनता से हमने बड़े उत्साह के साथ, जो हमारा देहात है वो बहुत खुश है उसकी भावनाओं से, वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की भावनाओं से, क्योंकि दिल्ली के लोग यहाँ रहते हैं। हमने अपनी मीटिंग की है और दिल्ली वाले भी हम बड़े जोर शोर के साथ हजारों की संख्या में, कम से कम 200-300 गाड़ी लेकर हम जाएंगे हजारों की संख्या में स्थापना दिवस पर। हम दिल्ली का हमारा ये चैलेंज है, हम दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।